नमस्कार, जेडीएस किचन चैनल में आप सभी स्नेहीजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। देवियों और सज्जनों, आज हम बनाएंगे गुजरात का मशहूर फरसान चोराफड़ी। क्रिस्पी, करारी, मजेदार और खुशी से फूली हुई चोराफड़ी बनाएंगे। बाजार जैसी चटपटी चोराफड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप चौली की दाल, जिसे हम ब्लैक आई बीन्स भी कहते हैं, आधा कप मूंग की दाल लेंगे और 1 कप उड़द की दाल। इन सभी दालों को साफ करके ग्राइंड कर लेंगे। अब हम चोराफड़ी के लिए आटा लगा लेंगे। एक बर्तन में तीनों दालों का आटा लेंगे, जिसको हमने ग्राइंड करके रखा था। स्वादानुसार नमक डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट। आधा टेबलस्पून ऑयल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा लेंगे। हम थोड़ा टाइट आटा लगाएंगे, थोड़ा पानी और डालेंगे और मिला लेंगे। जैसा हम उड़द पापड़ के लिए आटा लगाते हैं, वैसा ही आटा लगाएंगे। लीजिए, हमारा आटा तैयार है। थोड़ा सा ऑयल डालकर मसलेंगे। करीब 5-6 मिनट तक मसल कर इस आटे को चिकना बनाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। आप चाहो तो पत्थर की मदद से कूट कूट कर चिकना बना सकते हो। अच्छी तरह से आटे को कूटने के बाद उसका रोल तैयार करेंगे। अब इस रोल को हम समान हिस्सों में काट लेंगे और काटने के बाद उसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इस पेड़े को आटे में रगड़कर उसकी पतली सी चपाती बेलेंगे। और चपाती बेलने के बाद उसको मनचाहे शेप में काट लेंगे। इस तरह से चोराफड़ी को बेलकर मनचाहे शेप और साइज में काटकर डीप फ्राई करेंगे। आप इस तरह से कटर की मदद से गोल चोराफड़ी भी काट सकते हो। हमारा ऑयल गरम हो गया है। अब चोराफड़ी को गरम तेल में डालेंगे और तुरंत बड़े प्यार से प्रेस करते जाएंगे। चोराफड़ी को फुलाने के लिए ये जरूरी है। देखिए, खुशी से फूली हुई हमारी चोराफड़ी। हल्का सा ब्राउन कलर आने पर निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारी चोराफड़ी को डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए, एक चोराफड़ी नाराज है, वो नहीं फूलेगी। ये है चोराफड़ी पर स्प्रिंकल करने के लिए स्पाइसी मसाला। 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 टेबलस्पून काला नमक। इन मसालों को मिक्स करके यूज़ करेंगे। चोराफड़ी को डीप फ्राई करने के बाद तुरंत मसाला स्प्रिंकल करें और चाय और चटनी के साथ एंजॉय करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।